मैं बस अभी बस में हूँ। ठीक है, मैं आपको कॉलेज पहुँच के कॉल करूँ। हाँ, श्योर। निशा, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तुझे बैठना है, मैं खड़ी हो जाती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, तो बैठी रह। पक्का? सारा। हाँ बोल यार, बस में जो मेरे पीछे वो बंदा खड़ा था ना, वो बहुत गलत तरीके से टच कर रहा था मुझे। शायद धक्का मुक्की में गलती से टच हो गया। इट्स ओके, आगे से ध्यान रखना। अभी चले? कॉलेज जा रहे हो? मैंने पूछा कॉलेज? हाँ, तभी मैं सोचूं रोज ऑफिस आते जाते तुमसे मुलाकात। निशा, क्या हुआ? निशा, क्या हुआ? तुझे मुझसे नहीं बात करनी, बट यू नीड टू टॉक टू समवन। एक ऐप है नीजो प्लस करके, एंड लोग वहां पे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। तो एक बार उनसे बात करने की ट्राई कर।
आप निजो प्लस लिसनर सम्मुख ही हैं। जी मैं बोल रही हूँ, बताइए। मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हूँ। आपको जो बोलना है आप बोलिए। कुछ दिनों से कॉलेज से आते जाते वक्त एक बंदा मुझे रोज परेशान करता है। देखो आप रो मत, अब जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं ना। लेकिन मेरी समझ से अगर आप ऐसा करोगे जैसा मैं कह रही हूँ तो वो आपको क्या, दुनिया की किसी भी लड़की को छेड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। तो तुम्हें क्या करना है मैं बताती हूँ। ज्यादा ठंड लग रही है, रजाई मंगवा दूं? नहीं नहीं मैं तो बस। नहीं नहीं मैं क्या, चिपक रहते हैं ना आप, बस में तो इतनी भीड़ भी नहीं है, फिर चिपकने की क्या जरूरत। मैं बस आगे चल चाह रहा था। ये बात है, अरे ज्यादा मजा आने गया इधर है भाई साहब, मैं तो बस आगे जा रहा था। ज्यादा होशियार बनते हो क्या? दुनिया की किसी भी लड़की को छेड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। You have to stand up for yourself. तुम्हें अपने लिए खड़ा होना है and you have to be vocal for yourself. अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।